الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون साडे विच केड़ा कोई कमाल रखिया रब दिया रहमता संभाल रखिया साडे विच केड़ा कोई कमाल रखिया रब दिया रहमता संभाल रखिया वो सारे ओदे दर विच इवें रखी है जिवें सोने आका दे बिलाल रखिया रब दिया रहमता संभाल रखिया साडे बेच केड़ा कोई कमाल रखिया रब दिया रहमता संभाल रखिया जेड़े ओदे दीन उतो सब कुछ वार दिंदे ने ओनू कदी अल्लाह नहीं कंगाल रखिया रब दिया रहमता संभाल रखिया साडे बेच केड़ा कोई कमाल रखिया रब दिया रहमता संभाल रखिया हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते दरूद व सलाम आका कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व अतहर अल्लाह और बला वास्ते अल्लाह ताला दा करोड़ हबार शुक्र है कि जिस माल के अर्दो समान है सानू अपने घर के अंदर जमा फरमाया है अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह साडा सारयां दा मिल बैठना
अपनी बारगाह आलिया दिन दुर कबूल व मंजूर फरमा के कल क्यामत वाले दिन साढ़े वास्ते जरिया नजात बनाई। अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम की एक हदीस है, सैयद तरगीब तरहीब के अंदर भी आंदी है और मुसनद अहमद की भी रिवायत है। अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम के सहाबी हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने फरमान देने कि अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम ने फरमाया, आका फरमान देने मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लमा औ युअल्लिमुहु कान लहु मिथ्लुका अजरि हाजिन तामन हज्जतुहु। अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम ने फरमाया ऐदी सिर्फ सिर्फ तुहाडी मत तवज्जो दिलाण वास्ते ना इंशाल्लाह हदीस तुहाडे सामने बयान कर रहा। अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मस्जिद के अंदर आया, मस्जिद के अंदर आया इस नीयत के नाल आया कि मैं मस्जिद के अंदर जा करके कुछ सिखा ते कुछ सिखावा, सीखण की नीयत के नाल आया या कुछ सिखाण की नीयत के नाल आया, तो अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने इसका आना इतना मुबारक है, इतना मुबारक है, नीयत अच्छी है कुछ जा करके सीखा। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने अल्लाह ताला इस बंदे नू एक कबूल हज का अल्लाह सवाब अता फरमा देते हैं, कबूल हज का सवाब। अज हज वास्ते तकरीबन लखा रुपये लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर आने की इतनी फजीलत है तो तुसी बड़े प्यार ते बड़े मुहब्बत के नाल इंशाल्लाह तशरीफ फरमायो। मेरे तो बाद इंशाल्लाह उल अजीज़ खसूसी खिताब इंशाल्लाह उल अजीज़ खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजे साहब इंशाल्लाह उल अजीज़ इंशाल्लाह उन्होंने खिताब होएगा तो तुसी इंशाल्लाह उल अजीज़ बड़े तवज्जो के नाल बात सुननी है इंशाल्लाह उल अजीज़। अज का प्रोग्राम मोहतरम जनाब मलक मुहम्मद इब्राहिम साहब उन्होंने बेटी उन्होंने हिफ्ज़े कुरान के मौके के उत्ते अज का प्रोग्राम रखा गया तो माशाल्लाह इतनी खुशकिस्मती की बात है और एमओ महफिल भी बड़ी प्यारी महफिल है कि जेदे अंदर कुरान की गल होएगी, कुरान की अजमत की गल होएगी इंशाल्लाह। तो दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें इल्म व अमल के अंदर अल्लाह खैर व बरकात का नजूल फरमाए, अल्लाह ताला इन्हां दी बेटी नूं इन्हां वास्ते सदका जारिया बनाए, जो मुकाम अल्लाह ताला ने इन्हां नूं कल कियामत वाले दिन इन्हां नूं इन्हां दी बेटी नूं जो अल्लाह ताला ने कल कियामत वाले दिन मुकाम व मरतबा अता फरमाना है। मैं चाहना कि अपने इस मुख्तसर वक्त के अंदर मैं इंशाअल्लाह उल अजीज हाफिज़े कुरान की इंशाल्लाह फजीलत के हवाले के नाल चंद गुजारिशां तुहाडे सामने इंशाल्लाह करांगा। कुरान मुकद्दस कुरान किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अली सलातो व सलाम के सीना पाक ते अल्लाह ताला ने इस किताब नु नाजल फरमाया और एक किताब अल्लाह की किताब लारैब और बेऐब किताब है। सारिया किताबा नालो अल्लाह ताला ने अगर अफजलियत, अगर अल्लाह ताला ने मुकाम, अगर मर्तबा और शान दिता है ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक नु अता फरमाया है। जिमें अल्लाह ताला ने सारे नबियां चो शान अल्लाह ताला ने काली कमली वाले पैगंबर नु अता फरमाया है, इवें अल्लाह ने सारिया किताबा दे विचो शान कुरान मुकद्दस नु अता फरमाया है। बाकी किताबा जड़िया ने तुरात जबूर इंजील वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह ने, कुरान पाक भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, लेकिन इन्हां दे विच इन्हां किताबां दे विचों अफजलीयत सिर्फ कुरान पाक नूं है। जिवें सारे नबियां चों अफजलीयत अल्लाह दे नबी अली सलातो व सलाम नूं है, इवें सारियां किताबां चों अफजलीयत कुरान पाक नूं है। और कुरान कोई आम किताब नहीं,
कोई आम किताब नहीं है, बड़िया अजमता वाली किताब है, बड़िया शाना वाली किताब है, बड़े मुकामात बड़े मरतबे वाली किताब है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस भी है, हक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चूंकि रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान का महीना भी एक कुरान का महीना है, इन कुरान का महीना भी आख्या जाता है। ये अंदर जो बंदा एक हरफ पढ़ता है ना, एक हरफ पढ़ता है तो आम दिनों के अंदर पढ़े वो मुकाम हो रहे, जो रमज़ान के अंदर बंदा नेकी करेगा तो उस नेकी नू अल्लाह ताला 10 गुना फिर 100 गुना 700 गुना और इस तो भी ज्यादा वधा चढ़ा करके अल्लाह ताला अमाल नामे दे अंदर दर्ज फरमा देते हैं। क्योंकि बंदा जो एक नेकी करता है, एक नेकी बिलफर्ज करे रमजान के अंदर अल्लाह 700 नेकियां ता फरमा दे ते और बंदे नू की चाहिए। ये कुरान पाक का पाइया सपारा एक सफा भी पढ़िया हो, बिलफर्ज एक सफा भी पढ़िया हो तो अंदर किन्ने अरब बन जाते हैं, बेशुमार अरब बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस तरीके दे नाल इंसान नू आंदा, इंसान नू कहंदा कि इंसान हुण ही आ जा मेरे कोल आ करके नेकियां दियां भारां लगियां ने आ करके अमाल नामे कर, कुरान पढ़, कुरान तू पढ़दा चले जा, तेरे गुनाहां दे उत्ते अपनी रहमत दा कलम फेर करके उन्हां गुनाहां नू मैं नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा देवांगा। तो ये जिहड़ी किताब है, इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला दी खुद है, अल्लाह ताला दी हिफाजत की जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर की इशाद फरमाया, जरा तवज्जो करना, हबीबे कायनात सरकारे दो आलम सैयदीना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे सीनाए पाक ते नाजल होण वाला खाल के कायनात कुरान ऐलान करके कह रहा है। अल्लाह फरमान देने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अल्लाह ताला कुरान पाक ने इरशाद फरमान देने, अल्लाह फरमान देने इस किताब नु नाजल करने वाले भी असियां, इस किताब दी हिफाजत दी जिम्मेदारी भी साड़ी जिम्मेदारी है, इस किताब नु नाजल भी असी कीता है, तौरात भी साड़ी नाजल करता किताब है, तौरात नु भी असी नाजल कीता है, जबूर नु भी असी नाजल कीता है, इंजील नु भी असी नाजल कीता है, कुरान नु भी असी नाजल कीता है। जदों अल्लाह ने तौरात नु नाजल कीता, अल्लाह ताला ने ओदी हिफाजत दी जिम्मेदारी अपनी नहीं लई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जदों अल्लाह ताला ने जबूर नु नाजल कीता या इंजील नु नाजल कीता वे नाजल कर दिता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ओदी अपनी हिफाजत दी जिम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन जदों कुरान दी वारी आई है ना, कुरान दी वारी आई है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर की इरशाद फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون। अल्लाह फरमांदे ने इनू नाजल भी असी कीता है, ते इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी भी साड़ी जिम्मेदारी है, ते अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी लेंदा पिया है कि ते अल्लाह ताला लेंदा पिया है। किताबी शक्ल दे अंदर कुरान पाक मौजूद है, घर घर दे अंदर कुरान पाक मौजूद है, मस्जिदा दे अंदर कुरान पाक मौजूद है, हर जगह दुकाना दे अंदर कुरान पाक मौजूद है, इन्ना मोबाइलों के अंदर कुरान पाक मौजूद है, लैपटॉप के अंदर कुरान पाक मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये ते इंज ना ते फिर अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी और किवें लैंदा पिया है। अल्लाह ताला ये मुसलमानों के बच्चों के दिलों के अंदर अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला इंज लैंदा पिया वे। छोटे छोटे बच्चे मदारस के अंदर वेखो, छोटे छोटे बच्चे जड़े ने कुरान पाक हिफाज़त करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह
जाए, कोई 10 साल का बच्चा कुरान पाक दा हाफिज नजर आएगा, कोई 12 साल का बच्चा कुरान पाक दा हाफिज नजर आएगा। जाइए दुनिया के अंदर देखिए, दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी किताब नहीं है अल्लाह अकबर अल्लाह जिस किताब दे तेनु हाफिज नजर आएंगे। वो ज़बूर नु वेख ले, ज़बूर दा तेनु हाफिज नजर नहीं आएगा, तौरात दा हाफिज तेनु नजर नहीं आएगा, इंजील दा हाफिज तेनु नजर कोई नहीं आएगा। ये अल्लाह ताला ने एक कुरान पाक दा एजाज है, हर गली दे अंदर हाफिज नजर आएंगे, हर मोहल्ले दे अंदर हाफिज नजर आएंगे, हर शहर दे अंदर हाफिज नजर आएंगे, हर मुल्क दे अंदर हाफिज नजर आएंगे। इतने हाफिज ने, इतने हाफिज ने जिदा कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। मदारस भरे पे ने, बच्चे हिफ्ज करते पे ने, अल्लाह दे कुरान नु हिफ्ज करते जा रहे ने। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। हुन रमजान दा महीना है, रमजान दा महीना वे, इस रमजान दे महीने दे अंदर कुरान पाक नु सुनांदे ने, मुसल्ले दे उत्ते खड़े हो करके कुरान पाक नु सुनांदे ने। अल्लाह दी कसम अजमतां वाले ओ लोग ने, आइए अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी एक हदीस पढ़ करके सुनाना चाहना वा। जामे तिरमिज़ी दी रिवायत है, अल्लामा अल्बानी रहिमहुल्लाह ने इस रिवायत नु सही किया वे। फरमांदे ने कि अल्लाह दे पैगंबर अली की सलातो सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने मन करा हरफ मिन किताबिल्लाह बिकुल्ली अशरि हसनात। मेरे नबी अली की सलातो सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने, मेरे नबी अली की सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा है, जेड़ा बंदा कुरान पाक दा एक अरब पढ़ता है ना, एक अरब पढ़ता वे, मेरे नबी ने फरमाया, आका फरमांदे ने, अल्लाह ताला उस बंदे ते नाम अमाल दे अंदर 10 नेकियां दर्ज कर देंदे ने। फिर मेरे नबी अली की सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने, अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है। सहाबा फरमांदे ने, सोने फिर किन्ने हरफ ने। मेरे नबी ने फरमाया, आका फरमांदे ने, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मेरे नबी ने फरमाया, आका फरमांदे ने, अलिफ लाम मीम तीन हरफ ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए अलिफ लाम मीम तू पढ़ लिया करना, अल्लाह ताला तेरे नामा अमाल दे अंदर अल्लाह ताला 3 नेकियां नु अल्लाह ताला दर्ज करके रख देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम तू पढ़ लिया कर, अल्लाह ताला 3 नेकियां तेरे अमाल नामे दे अंदर अल्लाह दर्ज करके रख देगा। ते जे रमजान दे अंदर पढ़िए, तवज्जो करो यार तवज्जो, अगर रमजान दे अंदर पढ़िए ते फिर किन्ना सवाब होएगा, किन्ना अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाएगा, किन्ना अल्लाह ताला मर्तबा अता फरमाएगा। रमजान दे अंदर अल्लाह जो बंदा कुरान पाक पढ़ता, एक हाफज है ना हाफज, वो हाफज एक सपारे नू 4 दफा 5 दफा 6 दफा 10 दफा भी तकरीबन कई हाफज जेड़े ने एक सपारे नू पढ़ते। ते मैं दसो जेड़ा बंदा एक सपारा भी पढ़े बिल फर्ज, एक सपारा भी पढ़े रमजान के अंदर, जे ते अलिफ लाम मीम पढ़े ते 3 नेकियां ते रमजान के अंदर पढ़े ते 700 गुना अल्लाह ताला ज्यादा बढ़ा देंदा। ते जे पूरा कुरान पढ़े, पूरा एक सपारा पढ़े ते फिर अल्लाह ताला किन्नियां नेकियां अता फरमाएगा। बंदा सोचे ते सही ना, ये रहमतां दा डीपू जे जेड़ा अल्लाह ताला ने सानू रमजान उल मुबारक दा महीना अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाया है, रमजान का महीना अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाया है। अल्लाह की कसम खुशकिस्मत असी लोग हाँ कि अल्लाह ताला ने सानू ये रमजान उल मुबारक का महीना अता फरमाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम ते दुरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद, तुहाड़ी थकावट इंशाल्लाह दूर हो जाएगी दुरूद पाक पढ़न दे नाल। इंशाल्लाह फिर पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मैं क्यों ना मोहब्बत नाल कहता जावां, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए शागे दो जहान आया आमीना दे गल, बल्कि आया सारे अंबिया
आदा अफसर शागे दो जहान आया आमीना दे घर ओ शागे दो जहान आया आमीना दे घर बल्कि आया सारे अपी आदा अफसर शागे दो जहान आया आमीना दे घर शागे बगार अज गुलशन वीरान ते हर सू उजाला होया मदनी दे आन ते आखो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह मोहब्बत ना आखो यार सुभान अल्लाह उची आवाज ना आखो शा गई बगार अज गुलशन वीरान ते हर सू उजाला होया मदनी दे आन ते शिरक दे एवान होए जेरो जबर बल्कि आया सारे अंबिया दा अफसर शागे दो जगान आया आमीना दे घर हबशे तो आया सोना हजरत बिलाल हबशे तो आया सोना हजरत बिलाल दौलत ए माल नाल होया मालो माले हबशे तो आया सोना हजरत बिलाल दौलत ईमान कोलो होया मालो माले ओ बन गए सितारे ओ बन गए सितारे जिते पै गई नजर बल्कि आया सारे अंबिया दा अफसर शागे दो जगान आया आमीना दे घर अल्लाह हु अकबर अल्लाह अल्लाह धन्यवाद मारो उनका अपना मस्जिद वाला स्पीकर चलाओ अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी एक और हदीस अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी सुनो इंशाल्लाह लजी इमाम ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह स्पीकर दी टेंशन इंशाल्लाह ना भी चलया तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हां अल्लाह दी रहमत नाल इंशाल्लाह अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ते दुरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद और तुसी ते साथ दोगे ना इंशाल्लाह मेरा सारे दोगे ना इंशाल्लाह साथ फिर मोहब्बत ना फिर एक बार दुरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो सलाम दी दूसरी हदीस सही अल बुखारी दे अंदर मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दे सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने फरमांदे ने कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया थोड़ी आवाज बोला यार बस तेरी मेहरबानी बस अल्लाह दे जोर लग रहा ताल करके अल्लाह दे नबी अली की सलातो सलाम ने फरमाया मेरे नबी अली की सलातो सलाम फरमांदे ने मेरे नबी दे सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने फरमांदे ने कि अल्लाह दे पैगंबर अली की सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने खैरुकुम 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 मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातो सलाम अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने तुहाडे विचो सब नालो बेहतरीन बंदा वे सब नालो बेहतरीन बंदा वे जेड़ा कुरान पाक पढ़दा है ते कुरान पाक नु पढ़ाण वाला सब नालो अफजल बंदा माशाल्लाह मजा आ गया अल्लाह दी कसम बस बस ठीक है कोई नहीं गल बन गई इंशाल्लाह गुला जी अल्लाह दे नबी अली की सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने तुहाडे विचों सब नालों बेहतरीन बंदा है जेड़ा कुरान नु पढ़दा है ते कुरान नु पढ़ाण वाला वे अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 दे नबी अली की सलातो सलाम दी दूसरी हदीस है मेरे नबी अली की सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाला अलैहि सलाम मेरे नबी ने फरमाया आका फरमाते ने तुहाडे विचो सब नालों अफजल बंदा वे जेड़ा कुरान पाक नु सिखदा है ते कुरान पाक नु सिखांदा वे कुरान पाक पढ़न वाला ते कुरान पाक नु पढ़ाण वाला अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 ओ दुनिया कायनात दे अंदर जितने हाफिज़े कुरान ने जितने मदारस ने इन्हां दे अंदर बच्चे पढ़न वाले ने कुर्राए किराम बच्चियां नु पढ़ांदे ने बच्चे हिफ्ज़ करदे ने
कुराने पाक नू अपने सीने दे अंदर महफूज करते ने। सुबह तो लै करके शाम तक कुराने पाक की तिलावत करते ने, कुराने पाक नू याद करते ने, कुराने पाक नू इफ़्ज़ करते ने। अल्लाह की कसम है बच्चे मेरे रब नू बड़े प्यारे लगते ने। मेरे नबी अली की सलातों सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने रूए जमीन के अंदर सब नालों अगर अफजल गैन है, सब नालों अफजल अगर बंदे दुनिया से गैन ने वह गैन ने तो कुरान पढ़ने वाले ने। आप दे कुरान सब नालों अफजल बंदे ने। वो तुहाडे ते मेरी नज़र के अंदर उच्चे अहदे वाले की कदर हो सकती है, वह बेहतर हो सकता है। कोई MP ते MNA बेहतर हो सकता है, कोई सदर ते वजीर आजम ते वजीर आला, कोई उच्ची कुर्सी ते बैठ वाला बंदा वो अफजल हो सकता वे। लेकिन पैदा करने वाले रब की कसम है मेरे नबी अली की सलातो सलाम ने फरमाया वे, आका फरमाते ने बेहतर वो बंदा वे जेड़ा कुरान पढ़ने वाला है ते कुरान पढ़ाने वाला वे। और बंदा कोई अफजल नहीं है। और मैं कहना चाहना असल इलम कुरान का इलम है, असल इलम अल्लाह दे नबी दी हदीस दा इलम है। ओए बाकी ते अगर बंदा डॉक्टरी दा कोर्स कर लेंदा वे, डॉक्टरी दी डिग्री कर लेंदा वे, कोई MBBS बन गया वे, डॉक्टर बन गया वे, बाहर दे मुल्क जा करके पढ़ाई करदा वे, किसी ने MPhil कर लिया वे, किसी ने PhD कर ली है, कोई MA करी फिरदा वे, कोई बड़ा पढ़िया फिरदा दुनियादारी दा। ओए मैं कहना वा ये इलम नहीं, ये इलम नहीं, ये ते फनून है, ये ते फन है। असल फल असल इलम जेड़ा है कुरान दा, असल इलम अल्लाह दे नबी दी हदीस दा इलम है, असल इलम जेड़ा है वो दीन दा इलम है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते जेड़ा बंदा इलम दीन दा इलम सिखदा है अल्लाह ताला अल्लाह उस बंदे नू दुनिया ते भी इज्जत अता फरमांदा जे। ते अल्लाह ताला कल कियामत वाले दिन भी दीन दी खिदमत करने वाला, दीन नू सिखण वाला, कुरान नू हिफ्ज़ करने वाला, कुरान नू याद करने वाला, कुरान दी तफसीर पढ़ने वाला, कुरान दी तफसीर नू सिखाण वाला, ओए दीन दी खिदमत करने वाले बंदे नू, दीन पढ़ने वाले नू ते दीन पढ़ाण वाले नू अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत अता फरमांदा जे। ते अल्लाह कल कियामत वाले दिन भी इज्जत अता फरमा देवेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत अता फरमांदा जे। अल्लाह ताला कल कियामत वाले दिन भी अल्लाह की कसम बड़िया इज्जत अता फरमाएगा। तुसी वेखो दुनिया के अंदर बड़े बड़े ऐसे लोग ने अल्लाह को अकबर अल्लाह जिहदे नाल बच्चा होंदा ना, एक छोटा जिहा बच्चा वो हिफ़्ज़ करने वास्ते जाता है, हिफ़्ज़ करने वास्ते जाता है, तो माँ भी कहती है, माँ कहती है मेरा पुत्र हिफ़्ज़ करने वास्ते जा रहा है, ये मेरा पुत्र हाफिज़ है। प्यो होवे बाप होवे ते बाप कहता मेरा पुत्र हाफिज़ बनने वास्ते जा रहा है, ते माँ कहती है मेरा पुत्र हाफिज बनने वास्ते जा रहे, हिफ़्ज़ करने वास्ते जा रहे। पहले दिन जाता है, दूजे दिन जाता है, शाम नूं आता है, माँ सीने दे नाल लगांदी है, प्यार करती है, मुहब्बत करती है, मुहब्बत करके कहती है मेरा पुत्र हिफ़्ज़ करके आया, मैनूं कोई सूरत ते पढ़ के सुना, को मैंने कोई सूरत पढ़ के सुना। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते अल्लाह की कसम रूए जमीन के अंदर अगर सब नालों अफजल है ने, ते कुरान नु पढ़ने वाले सब नालों अफजल है। इस रूए जमीन के अंदर सब नालों अफजल हो बंदे। ते अल्लाह ताला इस कुरान नु पढ़न की वजह तो अल्लाह ताला बड़िया बड़िया इज्जत अता फरमांदा जे, बड़ा बड़िया अल्लाह मुकाम अता फरमांदा जे, मर्तबे अता फरमांदा जे। अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम तुसी वेखोगे, मैं एक मिसाल तुहाडे सामने पेश करदा। अल्लाह दे नबी अली की सलातो सलाम ना, मेरे नबी अली सलातो सलाम दे कोल ना एक काफला आया, काफला आया ते उन्होंने अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़िया। ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि तुसी नमाज पढ़नी है, कलमा तैयबा तो बाद नमाज पढ़नी है। ते तुहाडे विचों जिहदे नूं सब तो ज्यादा कुरान पाक याद होवे ओ तुहाडा इमाम बनेगा, बाकी सारे मुक्तदी बनणगे। तवज्जो करिया जी, बाकी सारे उनके मुख्तदी बन गए। आपने फरमाया तुहाड़े विचों किन्नू ज्यादा कुराने पाक आंदा है, सारे चुप। एक छोटा जिहा बच्चा जिहदी उम्र तकरीबन कोई 6 साल सी, 6 या 7 साल, हदीस पाक दे अंदर तज़किरा उहदा मिलदा है, उहदी 6 या 7 साल उम्र। ते अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम कहण लगा, सोहणिया मैनूं फलां 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 सूरत याद है, फलां फलां सूरत याद है। 6 साल का बच्चा है, बेशुमार अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम दसियां, सोने मैनूं फलां 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 सूरत याद है।
वेखो बच्चे कि अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम फरमान लगे आका फरमाते ने ओए सारे कबीले वालो तुसी सारे मुक्तदी हो गए आज 6 साल का बच्चा तुहाडा इमाम बन जाएगा। ये बच्चा तुहाडा की बनेगा? इमाम बनेगा। मिलके बोलो की बनेगा? इमाम बनेगा। ये बच्चा 6 साल का बच्चा अल्लाह ने कितना मुकाम दिता है। उस बच्चे ने मोटू पतलू नहीं याद किया। उस बच्चे ने कोई जनाब को गाना याद नहीं किया। कोई शेर याद नहीं किते। कोई ऐसी वैसी चीज याद नहीं की। कोई ऐसी फिल्म की स्टोरी याद नहीं की। छोटे छोटे बच्चे ने जनाब कार्टून ही बड़े इन्हों सिखाते। सारी दिहाड़ी सुबह तो लैके शाम तक कार्टून 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 कुराने पाक कोई नहीं आता। एबीसी सारे गिनती भी आ पुत सुना गिनती आ कद ये भी आ गया पुत सुना बिस्मिल्ला भी आती है कि तेन कहीं वा हो जाता है MBBS कर जाता है डॉक्टर बन जाता है तो कुशलता तरीका तक नहीं आता। वो की फायदा उस तालीम का की करिए जेड़ी तालीम तेन जिंदगी गुजारन का तरीका सलीका ना दस सके। उस तालीम की करना यार इनिया डिग्रियां MPhil बन गया स्कॉलर बन गए तुहाडे मुआशरे दे अंदर अल्लाह की कसम 60 तो 70% ऐसे लोग ने जिन्हां नूं गुसल दा तरीका तक नहीं आता। गुसल दा तरीका नहीं आता की करना यार। इनिया तालीम हासिल कर लिया 10 साल 15 साल दुनियावी पढ़ाई दे उते लगा दिते। मैनूं दसो वो कितने 6 महीने अल्लाह दे कुरान ते भी लाए अल्लाह दे नबी दी हदीस ते भी लाए ते जिन्हों नहीं किन्हों बिस्मिल्ला नहीं पढ़नी आती वो जिन्हों जड़े समलियां दे विच पहुंच जाण सूरह इखलास ना आवे ना वड्डी बदकिस्मती हो की सकती है यार। जिन्हों बिस्मिल्ला दा तर्जमा ना आवे कैसी बदकिस्मती है साडे वास्ते यार। ते अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया सब नालों बेहतर केड़ा बंदा है जेड़ा कुरान नूं पढ़दा ते कुरान नूं पढ़ाण वाला सब नालों अफजल बंदा। ते पता है आ जेड़ा हाफिज़े कुरान है ना हाफिज़े कुरान जदों घरों निकलता है इहदा मुकाम की है इहदा मरतबा की है ये भी अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ने दस छड्डिया है। ये मेरे नबी अली सलातो सलाम छोटा जिहा बच्चा है ना तुहानूं जिहदा वाकिया दस रहा सी अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया जा तू इमाम होएगा। चले गए अपने इलाके दे अंदर वो छोटा जिहा बच्चा है पूरा कबीला जेड़ा है वो पीछे नमाज पढ़ता पिया है मुख्तदी बनया है। ये छोटा जिहा बच्चा अगे मुसल्ले ते खड़े हो करके इन्हां नूं नमाज पढ़ाता पिया है। अल्लाह ने रुतबा केड़ी वजह तो दिता किस वजह तो दिता कुरान दी वजह तो कुरान नूं सूरतां याद करन दी वजह तो दिता। क्यों जी अल्लाह ने रुतबा किस वजह तो दिता कुरान याद करने की वजह तो अल्लाह ताला ने रुतबा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह अकबर अल्लाह 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 के नबी अली सलातो सलाम ने उन्होंने अपने सहाबा इकराम नु तालीम दी। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम ने सिखाया। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम ने तालीम दी अपने सहाबा इकराम नु। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम से दुरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फिर मैं क्यों ना मोहब्बत नाल कह जावां अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना बदुआ नू कलमा पढ़ा छोड़ आए फेरा कमो पल्ला सुभान सारे सुभान अल्लाह सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना बदुआ नू कलमा पढ़ा छोड़ आए जिन्ना बदुआ नू कलमा पढ़ा छोड़ आए रब दी जन्नत नू रास्ता है जांदा केड़ा सोने मदनी ने सानू मखा छोड़ आए सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना बदुआ नू कलमा पढ़ा छोड़ आए अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह उस दी तालीम दा है असर दोस्तों ए जो
क्यों जी सुभान अल्लाह गल गल खत्म कर दई फिर दुआ करा दी मैं तेरे नाल फिर आखो सारे बाबा दा सुभान अल्लाह ओ सिद्धि तालीम दा है असर तो सतो ए जो सिद्दीक बनया अबू बकर दोस्तो सारा कुंबा कबीला ते दीनार जर सोने मदनी ने जिस तो लुटा छोड़ आए सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना बदुआनु कलमा पढ़ा छोड़ आए सारे झगड़े ते रोले किवें हो सन हल सोने मतनी दसाई एक एक गल हको बातिल दा झगड़ा जो आज है पिया सोने मतनी ने आ के मुका छोड़ आए सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना बदुआनु कलमा पढ़ा छोड़ आए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी अलैहि सलातु व सलाम दी एक हदीस जरा तवज्जो करनी है मेरे नबी अलैहि सलातु व सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने इस हदीस पाक दे रावी ने सही मुस्लिम दी दे सुनो नबी दाऊद दी रिवायत है मेरे नबी अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने मन सलक तरीकर यल्तमिसु फी इल्म सखलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नत मेरे नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मन सलक तरीकल यल्तमिसु फी इल्म मेरे नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा दीन दे इल्म वास्ते निकल पैंदा है दीन नु सिखण वास्ते निकल पैंदा है दीन दी तालीम नु सिखण वास्ते हासिल करण वास्ते निकल पैंदा है मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे वास्ते जन्नत वाला रास्ता आसान फरमा देंदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह और मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने अल्लाह जन्नत वाला रास्ता आसान फरमा देंदे ने और मेरे नबी ने आगे पता की फरमाया है आका फरमांदे ने पढ़ने वास्ते गया वे ए कुरान नु सिखण वास्ते गया वे ए कुरान नु हिफ्ज करण वास्ते गया वे ते मेरे नबी ने फरमाया आका फरमांदे ने इंज करो निकलिया वे करो निकल पियावे इदी मिसाल तुसी इंज ले लो ना एक छोटा जे बचावे इंज अपने घर दे विच हिफ्ज करण वास्ते निकलिया वे इंज जदों हिफ्ज करण वास्ते निकलिया है इंज चलदा चलदा चला गया है जा करके मदरसे दे अंदर पढ़ना शुरू कर दिता वे ते मेरे नबी अली की सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने इंज टुरिया वे इंज टुरता जा रिया वे अल्लाह ताला दी रहमत वाले फरिश्ते इदे पैरां दे तले अपनी रामत वाले पर बिछा देंदे ने मेरे नबी ने फरमाया आका फरमांदे ने अपनी रामत वाले पर अल्लाह दे फरिश्ते बिछा लेंदे ने और एदे वास्ते फरमाया मछलियां पानी दे अंदर दुआवां करदियां ने अल्लाह अकबर अल्लाह और चूंटियां जेड़ियां ने ओ बिल्ला दे अंदर इन वास्ते दुआवां करदियां ने केड़ा बंदा जेड़ा कुरान नु सिखण वास्ते जांदा वे कुरान नु हिफ्ज करण वास्ते जांदा वे अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इना मुकाम इना मर्तबा अगर रिफा तो बुलंदी एक दीन नु सिखण वाले नु अता फरमाई है तो कुरान नु सीने दे नाल लगान दी वजह तो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कुरान नु सिखणा और कुरान नु सिखाना बंदा घरों चलदा पिया है घरों चल करके गया है ते अल्लाह दी रहमत वाले बंदा की समझदा है अजरा टुटियां सफा ते बेंदे ने बाज लोग इन्होंने बच्चों को घीर समझते हैं जो हिफज करते मदरसों के अंदर पढ़ने वाले ने हिफज करने वाले उन्होंने पता नहीं घीर समझते
अल्लाह की कसम हकीर नहीं जरा टुटिया सफा ते बैठन वाला टुटिया सफा ते बैठन वाला तेरी नजर दे अंदर हकीर हो सकता है लेकिन अल्लाह दे नबी दी नजर दे अंदर कदी भी हकीर नहीं हो सकता। एदी अफजलियत इतनी एदा मुकाम इन्ना में एक करो निकलता है अल्लाह ताला दी रहमत वाले फरिश्ते अपनी रहमत वाले परां नूं इहदे पैरां दे तीजे बिछा दिंदे ने। केड़ी मखलूक है जिहड़ी इहदे वास्ते दुआ नहीं करदी? मछलियां पानी दे अंदर दुआवां करदियां ने, चूंटियां बिल्लां दे अंदर इहदे वास्ते दुआवां करदियां ने। कोई ऐसा मुकाम वाला बंदा हो सकता है दुनिया दे मर्तबे वाला, इज्जत वाला, रिवादो बुलंदी वाला कोई और बंदा दुनिया के अंदर हो सकता है जिन्ना अल्लाह ताला दीन नु सिखण वाले नु जिन्ना अल्लाह ताला मुकाम अता फरमांदा है। ये तो दुनियादारी है ना, दुनियादारी हुण चलो आखिरत वाल भी आ जाइए ते आखिरत दे अंदर अल्लाह ताला इन्हां नु की मुकाम अता फरमाएगा, अल्लाह की मर्तबा, की रिफात, अल्लाह ताला की बुलंदी, अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान नु ते क़ारिए कुरान नु अल्लाह अता फरमाएगा। दो तीन चंद एक हदीसां ने इंशाल्लाह वह मिला के इंशाल्लाह तुहाडे सामने इंशाल्लाह बयान करनियां ने। आखिरी बिल्कुल गल ने इंशाल्लाह गल नु खत्म कर देना इंशाल्लाह। आइए जरा तवज्जो करना, अल्लाह ते नबी अली सलातो सलाम ते दुरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे नबी अली की सलातो सलाम दे सियाबा बयान करते ने कि अल्लाह दे पैगंबर अली की सलातो सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने जड़ा हाफिज़े कुरान है ना हाफिज़े कुरान है अल्लाह इनू की मुकाम अता फरमाएगा। की मरतबा अल्लाह दे पैगंबर अली की सलातो सलाम ने जड़ा मरतबा दसिया वे कि अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाएगा। फरमाया कल कियामत दा दिन होएगा, अल्लाह दे पैगंबर अली की सलातो सलाम ने फरमाया कल कियामत वाले दिन, कल कियामत वाले दिन एक बंदा होएगा बड़े प्रोटोकॉल दे लेकर के आंदा जाएगा, आगे ते पीछे अल्लाह ताला दे फरिश्ते होंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह दे फरिश्ते अगे ते पीछे होंगे, अल्लाह अकबर, लोग आखणगे एक केड़ा बंदा है, केड़ा बंदा वे जिन्हों इतना मुकाम मिलता पिया वे, जिन्हों इतना मरतबा मिलता पिया वे, जिन्हों इतनी रिफत बुलंदी मिलती पई है, वह दुनिया के अंदर प्रोटोकॉल वे करके ना अल्लाह की कसम है बंदा बहक जाया कर दे, लेकिन कल कियामत वाले दिन जिन्हों मेरा रब प्रोटोकॉल अता फरमाएगा, फरिश्तों के प्रोटोकॉल के अंदर आंदा जाएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह, जवाब आएगा ये बंदा है जरा दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह के कलाम हिफज करने वाला सी, हिफज करने वाला सी, अल्लाह की कसम खुश किस्मत वह बंदा है जेदे सीने के अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है, अल्लाह अकबर अल्लाह, ते उस बंदे नालों ज्यादा इज्जत वाला दुनिया ते कोई नहीं कोई सकता, जदि औलाद आपदे कुरान है वह खुश किस्मत कराना वे जिस घर के अंदर आपदे कुरान मौजूद है, अल्लाह अकबर अल्लाह, मलक इब्राहिम साहब का घराना बड़ा खुश किस्मत है, इन्हें बेटी ने कुरान ने पाक नु हिफ्ज किया वे, और मैं कहना खुश किस्मत घराना वे जिस घराने के अंदर कोई ना कोई बच्चा कारी है कुरान है, कोई ना कोई बच्चा आलम दीने, अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह क्यों ना इन्हें ऐसे घरानों के उत्ते अपनी रहमतों का नज़ूल फरमावे, अल्लाह ऐसे घरानों के उत्ते अपनी रहमतों का नज़ूल फरमांदा जे, अल्लाह बरकतों का नज़ूल फरमांदा वे जिन्हां दे अंदर रब दे कुरान नूं पढ़न वाले होया करदे ने। फरमाया अल्लाह दे दरबार दे अंदर लै करके आंदा जाएगा, जदों अल्लाह ताला दे दरबार दे अंदर लै करके आंदा जाएगा ते अल्लाह ताला पता की पुछेगा, अल्लाह ताला दे सामने अंज लिया जाएगा ते कायनात दा मालिक सोना रब, सोना रब अंज मुलाकात करेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, ते अल्लाह ताला अपने फरिश्तियां नूं हुक्म देवेगा, ओए मेरे फरिश्ते हो एक ताज लै करके आना, ताज लै करके आना, हदीस पाक दे अंदर आंदा है उस ताज के अंदर जड़े मोती लगे हुए ने, इतने रोशन मोती ने, इतने खूबसूरत मोती ने, इतने प्यारे हीरे लगे हुए ने, उन्हां दी रोशनी ते चमक इतनी है अगर उन्हां दे मुकाबले दे अंदर चन्न ते सूरज दी रोशनी भी उन्हां दे मुकाबले दे अंदर मदम पै जाएगी, अल्लाह अकबर इतनी ज्यादा रोशनी होएगी, अल्लाह ताला अज हाफिज़े कुरान दे सिर दे उत्ते रखेगा, हाफिज़े कुरान दे वालिदैन नूं भी लियांदा जाएगा, वह जेड़े वालिदैन अपने बच्चे ते अपनी बच्ची दे उत्ते मेहनत करन वाले ने, पैसे खर्च करन वाले ने, अल्लाह अकबर अल्लाह,
मां अपनी औलाद नू रोटी पका करके देंदी है, ओदा लिबास जेड़ा है ओ अच्छे तरीके दे नाल तैयार करदी है। अल्लाह ताला के गए दे वालिदैन किते ने, वालिदैन नू वी अंजलि आंदा जाएगा, इंज रब दे दरबार ते अंदर आ जाणगे ते अल्लाह ताला अपने फरिश्तियां नू की आखेगा, ओए मेरे फरिश्तियों इंज करो ना, इंज करो ना, ओए मेरे फरिश्तियों इंज करो ना, ओ हुल्ले लियांदे जाणना, ओ लिबास लै करके आंदा जावे ना। अल्लाह को बल्ला केड़ा लिबास, ओ लिबास जेड़ा है ओ इतना कीमती लिबास है, इतना कीमती लिबास होएगा। मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, माशाल्लाह खतीबे पाकिस्तान हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साहिब साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आ चुके ने। अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने इतना कीमती लिबास होएगा, इतना कीमती लिबास होएगा जेड़ा कारी कुरान ते आप दे कुरान दे वालिदैन नू अल्लाह ताला पहनाएगा। सारी दुनिया भी मिल जावे, और सारी दुनिया दे हीरे जवाहरात, सारी दुनिया दे सोना चांदी, सारी दुनिया दियां कीमतां मिल जाणना ते ओदी कीमत दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। अल्लाह को बल्ला इतना कीमती लिबास सोएगा जेड़ा अल्लाह ताला आपदे कुरान दे कारी कुरान दे वालिदैन नू अल्लाह ताला पहनाएगा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह इंज जदो पहनाएगा ना लोग आखणगे केड़ा खुश किस्मत है, ऐ केड़े खुश किस्मत ने जिन्हां नू अज इना मुकाम मिलता पिया वे। आवाज आएगी जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा ए आपदे कुरान दे वालिदैन ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते जेदे सिर दे उत्ते ताज रखिया ए आपदे कुरान है, रब दे कुरान नू सीने दे अंदर महफूज करन वाला, कुरान पाक नू हिफज करन वाला वे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते मेरा रब फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्ते हो इंज करो ना, इनू इंज प्रोटोकॉल दे करके जन्नत दे अंदर ले जाना, इंज प्रोटोकॉल दे अंदर इनू जन्नत दे अंदर ले करके जाया जाएगा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ते फिर उस वक्त मेरा रब पता की आखेगा, मेरा रब आखेगा इकरा वरतक वरतिल कमा कुम ततरतिलो फि दुनिया, ओ आप दे कुरान, ओ कारी कुरान, ओ मेरी किताब नु सीने दे अंदर महफूज करन वालिया, ओ मेरी किताब नु याद करन वालिया, इंज करना जन्नत दे दरजात चढ़दा जाना, जन्नत दे दरजात चढ़दा जाना, कुरान पढ़दा चला जाना। अलिफ लाम मीम तो शुरू हो जा, अलिफ लाम मीम तो शुरू हो जाएगा, कुरान पढ़दा जाएगा ते जन्नत दे दरजात चढ़ा जाएगा, ते बड़े बड़े खूबसूरत मंजर देखेगा, दिल विच सोचेगा शायद पता नहीं है कोई मेरा मुकाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह लेकिन ओदा ये मुकाम नहीं होएगा। अल्लाह के गाओ मेरे आप दे कुरान पढ़दा जा, पढ़दा जाना, वो पढ़दा जाएगा, पढ़दा जाएगा, पढ़दा जाएगा, ते अल्लाह ने भी ये चीज का हुक्म दिता होएगा, ओ अलिफ लाम मीम तो तू शुरू होना है, ओ जिते पन्ना सी सीना जाए की उस जगह ते सोनिया तेरा मगल्ला जाएगा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह जिते वन्ना सी सीन आ जाएगी उस जगह ते तेरा महल आ जाएगा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह जदों उस जगह ते देखेगा हर चीज भूल जाएगा कि अल्लाह वाकई तू मैनू बड़ा मुकाम अता फरमाया है, अल्लाह तू मैनू बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह तू मैनू बड़ा शरफ अता फरमाया है। अल्लाह की कसम, अगर बंदा कुरान की तालीम सीखने वाला हो, कुरान की तालीम लैन वाला हो या देन वाला हो, कुरान पाक हिफज करने वाला हो या कुरान करान वाला हो, अल्लाह दुनिया के अंदर भी बड़िया इज्जत अता फरमाता जे, अल्लाह अल्लाह कल कियामत वाले दिन भी अल्लाह ताला बड़िया इज्जत के नवाजेगा, बड़ा शरफ अल्लाह ताला अता फरमाएगा, बड़ा मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह को अकबर, लो इन्हां दा हदीसां दा तर्जमा सुन लो ते गल नूं कदम करिए। अल्लाह दे नबी ते दुरूद पढ़ो, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसी मैं सरदा मैदाने, उसी मैं सरदा मैदाने, फरमैसी रब रहमाने, कुरान वाले उची शान वाले, उसी मैं सरदा मैदाने, फरमैसी रब रहमाने, कुरान वाले उची शान वाले, नजरा सन बिच खजीने, नजरा सन बिच खजीने,
ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋ ਸਣ ਸੀਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਫਦੇ ਕੁਰਾਨ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਦੇ ਕੁਰਾਨ ਗਿਆਵੇ ਦਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਸਿਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਪੜਦਾ ਜਾਵੇ ਓਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਣ ਉਤੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾ ਸਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਣ ਉਤੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾ ਸਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਨਾ ਸੇ ਉੱਥੇ ਬੇਗਜ ਮੇਰੀ ਅਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਣ ਮਗਲਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਉਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਫਰਮਸੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون